नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। भाजपा ने कुछ देर पहले ही अपने 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भाजपा ने दो मंत्रियों और एक विधायक की टिकट काटी है, तो वहीं एक सीट से उम्मीदवार को बदला गया है। भाजपा ने दूसरी लिस्ट में दो महिलाओं को टिकट दी है। इसमें सोनीपत की राय सीट से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की जगह कृष्णा गहलावत को और गुरुग्राम की पटौदी सीट से बिमला चौधरी को टिकट दी गई है। तो वहीं भाजपा ने रेवाड़ी की बावल सीट से मंत्री बनवारी लाल की टिकट काट दी है और उनकी जगह पर कृष्ण कुमार को टिकट दी गई है। वहीं फरीदाबाद की बड़खल सीट से शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की टिकट काटी गई है और उनकी जगह पर धनेश अदलखा को टिकट दी गई है। वहीं लाडवा सीट की बात करें तो पिछला चुनाव लड़ने वाले पवन सैनी की सीट यहां से बदल दी है। उन्हें लाडवा की जगह नारायणगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि अब की बार लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के पिहुआ सीट की बात करें तो भाजपा ने यहां पर भी अपना उम्मीदवार बदला है और यहां कवलजीत अजराना की जगह जय भगवान शर्मा डीडी को टिकट दी गई है। वहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों में मुस्लिम चेहरों को शामिल किया है, वैसे ही भाजपा ने भी इस लिस्ट में दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी है, जिनमें फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनहाना से अजाज खान का नाम सामने आया है। मुस्लिम बहुल्य सीट तीसरी सीट नूह है, वहां से हिंदू नेता संजय सिंह को टिकट दी गई है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम जो सामने आया है वो है मनीष ग्रोवर का, जो कि रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मनीष ग्रोवर ने बयान दे दिया था कि अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार बीबी बत्रा के सामने अब मनीष ग्रोवर को भाजपा ने उतारा है, तो ऐसे में मुकाबला कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर भाजपा ने पहले लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को उतारा है, तो अभी तक भाजपा 90 में से 87 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद एनआईटी ही सीट बची है जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। आपको क्या लगता है, इस सीट पर भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है? हालांकि अभी तक बात करें तो जीत के लिए भाजपा पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है और यही वजह है कि जिस परिवारवाद को लेकर भाजपा लगातार विरोधी दलों को निशाना बनाती रही है, अब की बार भाजपा ने उसी से खुद भी परहेज नहीं किया है। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि भाजपा में अब क्या हलचल होने वाली है, क्योंकि पहली लिस्ट जारी होने के बाद हमने देखा था कि भाजपा में भगदड़ का माहौल था। कई नेता पार्टी छोड़कर गए, बगावती सुर अपनाए, जिन्हें टिकट नहीं मिला वो कार्यकर्ताओं के बीच जाकर रोते हुए भी नजर आए थे। तो ऐसे में अब भाजपा में क्या कुछ होने वाला है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। वही नजरें अब सबकी कांग्रेस की बाकी बची सीटों पर भी है कि आखिर भाजपा के बाद अब कांग्रेस अपने किन उम्मीदवारों को दूसरी लिस्ट में शामिल करती है और किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है। आपको क्या लगता है कि भाजपा बची हुई तीन सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाती है और मुकाबला अब की बार कड़ा होने वाला है? आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए द मसला।